एक काफिला है वीवो यू, एक आसरा है वीवो यू, एक हौसला है। हम घोलने वाले हैं गमों को खुशियों से, हम तोलने वाले हैं। एक काफिला है वीवो यू, एक आसरा है वीवो यू, एक हौसला। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है जी कि आज चकवाल के अंदर हम एक ग्रैंड शो करने जा रहे थे, और जैसा कि आप सब दोस्तों के साथ पहले भी वॉइस में भी आपसे शेयर कर चुके थे कि हमारी कंपनी जो ऐसा ग्रुप है जिसको सैफुरहमान खान नियाज़ी लीड कर रहे हैं, ये इनका डे फर्स्ट का एक मिशन था और एक पैशन था कि हम जो भी काम करेंगे वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अदारों की मुशावरत के साथ और उनकी गाइडलाइन के साथ करेंगे। तो जो मौजूदा कोरोना की सूरत हाल है उसमें हमें इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह से आज ये ग्रैंड शो तो हम नहीं कर सके, लेकिन सैफुरहमान नियाज़ी साहब आज यहाँ पे मौजूद हैं चकवाल के अंदर। हम यहाँ पे खलील शाह साहब के घर में मौजूद हैं और आज सीओ साहब यहाँ पे चकवाल डीसी साहब से मिल के आए हैं और जो फ्यूचर के हमारे प्लान हैं एसआर ग्लोबल के वो भी शेयर किए और अपने तमाम लीडर्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि ये लीडर्स भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, इनको भी पता चल जाएगा। और मैं सर से सवाल करना चाहूँगा कि जो भी फ्यूचर के एसआर के प्लान हैं थोड़ा सा कैंडी उन पर भी शेयर करें, और डीसी साहब के साथ आपकी क्या बातचीत हुई कैंडी, जरा उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि पिछले 2-3 महीने से हम काम कर रहे थे कि चकवाल में हमारी कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया। जैसे कि सिंध में भी हमने बहुत सारे काम किए, चाहे वो वेलफेयर के काम है या फिजिकल बिजनेसेस के काम है, चाहे वो थरपारकर में समर प्लांट हो, चाहे वो कराची में रिवॉल्ट बाइक हो, या हमारी कैब सर्विस हो, ब्रावो स्टोर हो, या जो हमारा पंजाब के अंदर ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या उनके हवाले से काम है, या रमेश सलोन है, या जितने भी प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये रीजन काफ़ी अरसे से लोगों की डिमांड भी थी कि इस इलाके में कुछ किया जाए। पर आपको पता है चकवाल और मियांवाली एक बिल्कुल करीब करीब है और हमारी एक ही जबान है, एक ही इलाका है। तो यहाँ पे हमने ना आज हमारे डीसी साहब से भी मुलाकात हुई, बिलाल हाशिम साहब से, उनसे भी हमने डिस्कस किया कि हम चकवाल में क्या करना चाह रहे हैं। चकवाल में एक तो चकवाल के 2 लाख बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, उनको हम हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड अस्करी इंश्योरेंस का देना चाहते हैं, जिसमें वो MH या CMH में जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जो कि 3 लाख रुपए तक होगी, यानी वो इस इलाके के लोगों के लिए हम देंगे। दूसरा, हम एक ई रोज़गार प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, जिसमें लोगों को, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, उनको हम सिखाएंगे कि ई रोज़गार, ई कॉमर्स कैसे कमाया जाता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे किए जाते हैं। उसमें हम उनको ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हैं। उसमें हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि मुख्तलिफ कॉलेजेस या स्कूलों में हमें जगह दी जाए कि इवनिंग में हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकें, मिनिमम 500 या 1000 डिफरेंट। ये नहीं है कि सिर्फ चकवाल सिटी के अंदर, चाहे वो चुहे सदन शाह है, तलागंग है, या जो भी इसके गिरद नवा के इलाके। उसमें क्या हुआ कि लोगों को ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट का ऐड बनाकर उसको कमर्शलाइज करने का तरीका आएगा, अमेजोन है, दराज है, या जितनी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है उनके ऊपर वो कैसे काम कर सके, अर्निंग हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर, जो आपको पता है ये पहाड़ी इलाका है, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम है, लोग स्पेशली गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज नहीं सकते, आने जाने के उनको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। उसके लिए हमने इनिशियली डीसी चकवाल को कहा है कि हम आपको 10 बसेज देंगे, चाहे वो जिस इलाके में भी उनको ज़रूरत है, चाहे सदर शाह में ज़रूरत है, चकवा तलागंग में ज़रूरत है, या किसी भी और तहसील या शहर में, चाहे वो डिसेबल बच्चों के लिए या एबल बच्चों के लिए, वो हम देंगे। उसके सारे एक्सपेंसेस हम करेंगे, यानी जो बस है, ड्राइवर है, उसका पेट्रोल है, वो सारी चीज़ें वो हमारी रहमान शोधा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम काम करेंगी। तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात थी थोड़ी। तो जैसे एक आम आदमी के भी जहन में सवाल आता है कि आपकी इतनी चकवाल के ऊपर मेहरबानी है क्यों, वो डीसी साहब ने भी यही सवाल पूछा कि आप इतनी मेहरबानी है चकवाल के ऊपर क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने कहा, एक तो मैं मियांवाली से हूँ, मियांवाली और चकवाल एक ही है, लैंग्वेज भी है, हमारा इलाका भी एक है, कल्चरल भी एक है, और मैंने कहा हमारा भी एक बेनिफिट है, हमारा भी एक मकसद है। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कारोबारी इंसान, कोई भी किसी जगह पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कोई भी प्रोजेक्ट करता है, तो उसके उसकी प्लानिंग होती है कि वो क्या करना चाहता है। हम जहाँ पे वेलफेयर का काम करना चाहते हैं, वेलफेयर के साथ साथ हम लोगों की मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए और इस मुल्क के अंदर बेहतर से बेहतर रोज़गार बनाने के लिए भी काम करना चाहते हैं,
और आप सब दोस्तों को पता है कि सी पैक के हवाले से दो नए इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, एक इकोनॉमिक जोन ठट्टा में बन रहा है और दूसरे इकोनॉमिक जोन चकवाल में बन रहा है। इस वजह से हमने चकवाल का फोकस ज़्यादा किया कि ये एक अपना इलाके अपना रीजन है, यहाँ पे हम ये वेलफेयर के काम के साथ साथ एक हाउसिंग सोसाइटी भी जो इस सी पैक इलाके के गिर्द निर्वाह में होगी उसमें हम 4000 कनाल के ऊपर हम एक हाउसिंग सोसाइटी का भी अनाउंस करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो इकोनॉमिक जोन बनेंगे जिसमें दुनिया भर के लोग इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, उसके अंदर भी हम अपनी जो है ना खिदमात पेश करेंगे और हम इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर को भी लेकर आएंगे कि यहाँ पे हम ऐसी इंडस्ट्री लेकर आए जो पाकिस्तान के अंदर एक मौशी इनकलाब लेकर आए, लोगों को ज़्यादा से रोज़गार का मौके दिए जाएँ। इस सिलसिले में हमारी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई और नेक्स्ट वीक में एक दोबारा मीटिंग है। इवेंट के हवाले से भी उनसे डिस्कस हुई थी तो वो अभी कह रहे थे कि अगर हम SOPs को फॉलो करें तो हम 150 बंदों की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, 30 जून तक जब गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ है तो हम नहीं करना चाहते। 100-150 का इशू नहीं है, जब 100% कोरोना के मामला ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह हम ये प्रोजेक्ट और ये हम इवेंट करेंगे। ये आज के हवाले से ये बातें बतानी ज़रूरी थी। तो जो लोग परेशान थे कि जी चकवाल का इवेंट नहीं होगा तो क्या मसला है क्या नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कहीं पे भी कोई भी इशू होगा तो सैफ रहमान सबसे पहले खुद जाएगा, ना कि अपने किसी लोगों को या किसी शख्स के कंधे पर रख कर, ना हमने कभी बंदूक चलाई और ना चलाने की कोशिश करेंगे। जो भी मामलात होंगे सैफ रहमान खुद फेस करेगा, मेरे से गुजरने के बाद कोई आप तक पहुंचेगा, उससे पहले आप तक कोई नहीं पहुँच सकता। जिंदाबाद, बात नहीं, ये वो वजह थी जिसकी वजह से आज लाखों लोग अगर ऐसा ग्रुप पे तमाद कर रहे हैं तो उसकी वजह यही है सैफ रहमान न्याजी की इन अदात की वजह से, इस हौसले की वजह से ये लाखों लोगों की फैमिली जो हैं सैफ रहमान न्याजी के साथ हैं। और मैं इस बात की यकीन दहानी इनको कराता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, इंशाल्लाह ये 5 लाख लोग नहीं 5 लाख फैमिलीज हैं जो आपके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ी हैं। वैसे अब लगती तमाम लीडर जो चकवाल तला गंग के यहाँ पे मौजूद हैं, मलक रजवान साहब हैं, खबीर शाह साहब हैं, डॉक्टर साजिद साहब हैं, अमजद भाई हैं, नहीं भाई हैं, शायद अब्बास मलिक साहब हैं, नासिर भाई हैं, आमिर भाई हैं और छोटे शाह साहब हैं, ये जितने भी लीडर यहाँ पे कोई नूर मौजूद थे ये यहाँ पे मौजूद थे। और हमारे साथ हमारे अर्दिल अजीज मेरे को पार्टनर मेरे दोस्त सरदार याद साहब स्पेशली ये सर के साथ सिर्फ सर को मिलने के लिए और उनका दीदार करने के लिए आए हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें जी, इंशाल्लाह 30 जून को आपको नेक्स्ट डेट आपके साथ अनाउंस की जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।